जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग, बिगेस्ट मुस्लिम नेशन विल गिव वीजा फ्री एंट्री टू इंडिया। तो बहुत सारे कंट्री अब इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देने लगे हैं, तो अच्छी बात है ना। उससे हमारा पासपोर्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसको वर्ल्ड वाइड मतलब करीबन 100 कंट्री में जाने के लिए एंट्री फ्री, वो कभी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो भारत के लिए अच्छी बात हो जाएगी। बहुत सारे कंट्री यदि वीजा फ्री एंट्री दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लोग जो है जिसको बाहर बिजनेस करने की जो उम्मीद है उसके ऊपर वो खड़े उतरे, उम्मीद जो है उसकी कायम हो जाए और वो सक्सेस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगती है वो तो आपको हर अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन वीडियो देखना भी जरूरी है, लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने पर विचार कर रहा। इंडोनेशियाई पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार एक महीने के अंदर अंदर इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दिस सोल सुपर पावर, लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाई नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है, और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझ रहा भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया, ये सारे सीक्रेट है। कभी मलेशिया, कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है? और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकॉट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। हमने आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से सिर्फ ये कह के कि ये हिंदुओं हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार? तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी इकोनॉमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी तो शुक्र करें वो लोग आपके मतलब जहाज लैंड करने दे रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। आस्ता आस्ता आप बिल्कुल बैन हो जाएंगे, हर जगह बैन हो जाएंगे। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन है और पाकिस्तान का नहीं बताते, उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज्यादा मिल जाती है। नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। खानदान में ना जिसको जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, इनका रास्ता ठीक नहीं है, इनके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, इकोनॉमिकली वोलेटाइल है, सोसाइटियल डिसऑर्डर है, ये कैसे ठीक होगा? कैसे हम पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बेहतर हो सकती है विद दीज चैलेंजेस? सो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूं तो हमारे भारत के लिए डेली ही कुछ नई खबर आ रही है जो हमारे भारत को एकदम प्राउड मोमेंट दिलाती है। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि श्रीलंका और मलेशिया ने दोस्तों हमारे भारत के लोगों के लिए वीजा फ्री कर रखा है, और दोस्तों अब इंडोनेशिया भी सोच रहा है कि भारत के लिए वीजा फ्री कर दे इंडोनेशिया के अंदर। और इंडोनेशिया सेकंड मुस्लिम कंट्री में से एक, लार्जेस्ट कंट्री में से एक है।
और दोस्तों दूसरी तरफ जैसा आप सबको पता है कि पाकिस्तान तो दोस्तों किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका जो सबसे पहले नाम सुनते हैं पाकिस्तान से, उनकी चेकिंग ऐसे लिए जाते हैं कि बैग फाड़ फाड़ के निकाला जाता है, कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं उनकी चेकिंग करते टाइम। पाकिस्तानियों का हाल ऐसा है। और दूसरी तरफ भारत दोस्तों जिनका वीजा ही फ्री हो जाता है, खाली नाम ले लिया जाता है कि भारत से, दोस्तों उनको तो वैसे जाने दिया जाता है, एकदम रिस्पेक्ट मिलती है कि पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, भारत एक ब्रांड ही बना दिया पूरा, इतना ज्यादा हमारे भारत को प्राउडमेंट होता है हर जगह जाके। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहां पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी जो है वो, हाँ पाकिस्तानी है, कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते, बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं, उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनका ज्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा महसूस इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है, इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज, हाँ पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आगे वो कहते नहीं है, लेकिन उनके ध्यान में आया था टेररिस्ट। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की और इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू, ग्रीन पासपोर्ट की ज्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है, टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट, ऐसा ही है बिल्कुल, ओवरऑल जो रैंकिंग है ना 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, तो वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना, उधर उसकी तलाशी, बैग खोल खोल कहता मेरे बैग का अंग अंग फाड़ दिया उन्होंने, कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार मार के चेकिंग कर, हाँ कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने, चले जाएं किसी एम्बेसी में, अच्छी वो चार चार दफा रिजेक्ट होता है लोगों का भी, ऐसा ही है, चार चार पाँच पाँच दफा लोग जलील हो जाते हैं अगर किसी ने बाहर जाना है। देखिए अब दुबई जस्ट जाना तो वहाँ का हमें जल्दी वीजा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। हाँ अच्छा, अभी वो पीछे दुबई की भी एक न्यूज आई थी, वो कह रहे थे कि कुछ पैसे देंगे, पास रखवाएंगे, हाँ तो उसके बाद हम वीजा देंगे, बैंक अकाउंट अपना थोड़ा सा हमें शो करवाएंगे, हाँ, तो आपको शो करवाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपको मिलेगा वीजा। वो पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके, वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल कर सकते करते हैं और क्यों उनको जो है वो इंडियन को इतनी वैल्यू दी जाती है दुबई में भी और बाकी कंट्रीज में, जो हमें वैल्यू नहीं दी जाती, हमारी वो इज्जत हमारा वो वकार क्यों नहीं है, क्यों वो इंडियन का नाम यूज करते हैं? देखिए इंडिया इस वक्त 1.3 बिलियन की उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी का साइज है, सबके वहाँ पे इंटरेस्ट है, जिसने भी उनके साथ कारोबार करना है, अब आप ये छोड़ दें कि कोई इस्लामिक ब्रदर, कोई मुस्लिम मुल्क, कोई भाई है, कोई है। आजकल दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जब तक इंडिया ऐसे $5 trillion की इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है, आप 500 billion पे नहीं पहुंचे, आप आधे ट्रिलियन पे नहीं है, आपको एक आधा $1 billion चाहिए होता है तो आप कभी एक के पाँव पकड़े हैं, कभी दूसरे के पाँव पकड़े हैं, और भाई फकीरों की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, पहले आप अपना इकोनॉमिकली अपनी बेस ठीक करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आपकी सारी दुनिया में इज्जत होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ एक फैमिली में एक बंदे की इज्जत नहीं, एक खानदान में होती है, जो मतलब एक खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं, ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रही हैं। मैं साहब यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने सीख तालीम और नाले से बाइकाट कर दिया, और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं है। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है, एक। और दूसरे नंबर पर बात यह मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गोरों ने ली थी तो आपने आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से, तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीज रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को, कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकॉट करना करके बैठे करो,
आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकॉट करें, करके देखो ना, फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है ये सारी बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत गलत चीजों पे करना चाहिए। मसा हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने तालीम से नॉलेज से बाइकॉट कर दिया, और हम आज भी चाहते हैं कि आठवीं सदी का, सातवीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, चार शादियों पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की उस पे नाराज नहीं, नहीं, कमाई हराम की मुर्गी हलाल की, ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात, इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब क्या कहें इसमें, मैं भी अफसोस ही होता है जी, उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं, और हमारा पीआई ये बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन है, चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं, 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है, नो रिलीफ इन साइड। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और अच्छी बात है इंडोनेशिया भी सोच रहा है कि भाई भारत को फ्री वीजा एंट्री दी जाए, लेकिन जब फाइनल न्यूज आएगा तभी पता चलेगा कि कितने टाइम तक दी जाती है एंट्री, क्योंकि जैसे कि थाईलैंड जो है उन्होंने एक महीने तक दी, छह महीने तक, श्रीलंका ने तो अभी फ्री ही कर दिया है, उसके अलावा जो मलेशिया था, मलेशिया कंट्री ने एक महीने के लिए दिसंबर मंथ के लिए वहां पे वीजा फ्री एंट्री दी है, अब इंडोनेशिया भी सोच रहा है, तो उन सभी लोगों को मालूम है भारत की ताकत यानी दोस्तों पाकिस्तानियों आप हर बार जिस तरह से समझते हो ना कि ताकत मतलब ये आप बॉर्डर वाली वो सीन वाली हम बात नहीं कर रहे, ताकत का मतलब ये होता है कि भारत के पास इतनी पॉपुलेशन है, और भारत जो है हर बार अरबों खरबों रुपया जो है भारत के नागरिक वो ट्रैवलिंग में स्पेंड करते हैं, मतलब घूमने जाते हैं, और वो भी सोचा गया है ना कि हर बार जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग होते हैं तो हमारे एक प्लान होता है कि मतलब एक साल के बाद मतलब कोई भी एक वैकेशन मोड आता है उस वैकेशन में कहाँ जाना है उससे अभी से बचत स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बचाते रहते हैं, सेविंग करते रहते हैं ताकि हम वहां पे घूम सके, और घूमना बहुत ही अच्छा है, कोई बुरी चीज नहीं है दोस्तों, बुरा मत मानना कि भाई पैसे का बर्बादी, ऐसा नहीं है, अलग अलग स्थान देखना बहुत ही अच्छी चीज है, तो उसके लिए आपकी जो भी अर्निंग होती है उनमें से कुछ भी सेविंग कर लो थोड़ी बहुत, तो आप कोई भी एक वीक तक अच्छे से घूम सकते हो पूरे साल में सेविंग किया हो तो, कि मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसी भी फैमिली है जिसको सेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो लोग जो जैसे कि भारतीय लोग दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उसका रीजन क्योंकि हम वहां पे जाएंगे तो रहने के लिए होटल तो बुक करेंगे भाई, यहां से वहां जाने के लिए प्लेन का जो भाड़ा होता है, पैसा जो होता है, टिकट जो लगती है वो भी होगा, तो उन और वहां पे जाके हम कुछ शॉपिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम भारतीय और भारतीय कभी बाहर जाए शॉपिंग के बिना आए, ऐसा मैंने कभी भारतीय देखा नहीं है, कहीं पे भी जगह भर भर के शॉपिंग करेंगे, जितने फैमिली मेंबर होंगे सबके लिए कुछ ना कुछ लगे, ये हमारा ये तो एक रिवाज जैसा हो गया, ये बहुत अच्छा है हमारे, ये पता नहीं ये कोई रिवाज है या क्या है पता नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो फैमिली में जितने भी लोग होते ना उसके लिए कुछ ना कुछ तो लाते, 10 रुपए से लेके फिर हजारों में भी जाती है बातें, थोड़ा बहुत तो लाते ही लाते, हम यात्रा पे जाते हैं यात्रा करने के लिए कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहां जैसे प्रसाद तो प्रसाद लाते हैं, मतलब खाली हाथ नहीं आते, तो ये क्योंकि देखो हमारे यहाँ पहले से पता नहीं रिवाज हो गया क्या हो गया, क्योंकि बच्चे होते ना करने वो वेट करते कि उसके फादर बाहर गए तो उसके लिए कुछ ना कुछ लगे, ये हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स के लिए रिलेटिव्स के लिए मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए कुछ ना कुछ लगे, तो उनको पता है एक भारतीय एक बंदा भी आएगा ना तो एज पर भारतीय रुपीस वो करीबन 1 लाख रुपया मिनिमम स्पेंड करेगा, मिनी टिकट जो प्लेन टिकट वीजा फी वो तो अलग, उसके अलावा मिनिमम एक लाख स्पेंड करेगा, मतलब और कुछ फूड सब, तो बिल्कुल तो कितना बेनिफिट होगा भाई, और हर बार भारतीय बहुत यात्रा करते हैं, इसलिए तो ये खास करके दिसंबर महीने में
तो बहुत सारे कंट्री ने मतलब वीजा फ्री किया है। और दूसरा बात यह कि भारतीय लोग शांत स्वभाव के होते हैं, अच्छे होते हैं, वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी कुछ नुकसान नहीं करते उस देश का। हाँ। इसीलिए ये स्टेप सारे जो कंट्री है वो ले रहे, बाकी हाँ। पाकिस्तानियों को तो भाई कोई नहीं देगा वीजा, उसको तो अभी दे रहे, वो भी चेक कर करके मतलब वाले भी उसको चेक कर रहे कि ऐसा वैसा कोई आना चाहिए जो यहाँ पर आकर फिर भीख मांगे। भीख मांगने की बात नहीं है, वो विजिट वीजा लेके वहां से गायब हो जाते, गुम हो जाते, ठीक है। फिर वो सिक्योरिटी एजेंसी को ढूंढना पड़ता है कि भाई इसका वीजा का टाइम इतना था, अभी तक उसने एग्जिट एंट्री क्यों नहीं दी। वो एग्जिट एंट्री के लिए फिर ढूंढते कि भाई तू निकल, तेरा टाइम खत्म हो गया वीजा का टाइम, तो उसके लिए तो वो फिर मिलते ही नहीं। तो पाकिस्तान को तो भाई सब, और पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू तो सबको पता है पूरी दुनिया को। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।